स्टूडेंट्स, फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने सबसे बड़ी अच्छी खबर दे दी है, यानी कि गुड न्यूज दे दिया है 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और ये चीजें आप लोग भी डिमांड कर रहे थे, वो चीजें यहां पर फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने बात तो सुनी, यानी कि आप लोग की बात यहां पर इतनी जल्दी सुनी, जिसको लेकर दोस्तों आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बड़ी अच्छी खबर होने वाली है। ये सर्कुलर कैसे तुम लोग देख पाओगे, तो ये चीजें सबसे पहले जान लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड के यहां पे साइट पे जाना है, मेन साइट पे जाओगे, जैसे ही जाओगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। ये सर्कुलर खुद भी जाकर जो है सभी स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पन्नों का जो है सर्कुलर है। मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो सर्कुलर में जाकर जो है कंफ्यूज हो जाओ, क्या क्या चीजें लिखी है, क्या क्या चीजें नहीं लिखी है। शॉर्ट में यहां पे मैं तुम्हें बता देता हूं ये सर्कुलर में क्या लिखा है। 10 एंड 12 के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर तुम इस बार जो है क्लास 10 में पढ़ रहे हो और तुमने जो है यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को ले रखा है और मैथ में तुमने अगर बेसिक को लिया है तो तुम्हें आगे जो है अब मैथ नहीं मिल पाएगी। यानी कि मैथ अगर लेना चाहोगे तो तुम्हें अप्लाइड मैथ मिलेगा, वो भी अप्लाइड मैथ जो है पूरे देश भर में कुछ गिनती के 1-2 स्कूल है जहां पे अप्लाइड मैथ जो है ऑफर किया जाता है 11th में। यानी कि तुम्हें ये समझ लो कि 99% चांसेस है कि तुम्हारे 11th में जो है मैथ नहीं मिलेगा। तुम अगर साइंस लोगे तो तुम्हें बायो के साथ लेना पड़ेगा, या फिर अगर कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स तुम्हें जो है विदाउट मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आगे डिफिकल्टीज तुम्हारे सामने यहां पर प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाएगी जब तुम बेसिक लोगे। लेकिन वहीं अगर तुम स्टैंडर्ड सब्जेक्ट को ले लोगे तो तुम्हें आगे जो है कोई भी तुम्हारे ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तुम जो चाहो ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, विथ मैथ ले सकते हो, विदाउट मैथ ले सकते हो। तो ये फायदे यहां पे मिलते हैं। तो जिन बच्चों ने गलती से जो है यहां पे सिलेक्शन कर लिया है बेसिक का और वो जो है आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं, वो जो है इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उनके पास मैथ होना कंपलसरी है, तो वो जो है अभी चेंज करवा पाएंगे। और जिन्होंने अभी से ही एम बना लिया है कि मेरे को जो है आगे मैथ नहीं करना है और मैं अभी मैथ स्टैंडर्ड ले रखा था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में जो है सबने मैथ स्टैंडर्ड कहा था, इसलिए मैंने मैथ स्टैंडर्ड ले लिया है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, देन जो है वो स्टैंडर्ड से बेसिक में करा सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट चेंज हो या स्ट्रीम चेंज हो, ये सारा चीज जो है आप करवा पाएंगे। 31 अगस्त तक जो है आपको टाइम दिया गया है। ये सर्कुलर में यहां पे 10 को लेकर भी और 12 को लेकर भी कहा गया है आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करवा पाएंगे, या फिर जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीजें नहीं पढ़ना है, इसके बजाय मुझे ये पढ़ना है, तो ये सारी चीजें जो है आप चेंज करवा पाएंगे। 31 तारीख से पहले स्कूल में आपको जाके इन्फॉर्म करना होगा। स्कूल वाले फिर जो है सीबीएसई बोर्ड को जो है रिक्वेस्ट डालेंगे आपके लिए कि ये बच्चे को ये चाहिए, तो वो जो है यहां पे सीबीएसई बोर्ड बाद में फिर उनको कंप्लीट करेगी, वो चीजों को यहां पे जो है एक्सेप्ट करी जाएगी, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें पहले यहां पे सर्कुलर में कहा गया है। दूसरी बात, यहां पे सर्कुलर में कहा गया है डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, जो बच्चे यहां पे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, ये चीजें मुझे लगता है आपको बताने की उतना जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सभी बच्चों को यहां पे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये प्ले नहीं करता है। ये यहां पे सिंपल से शॉर्ट में समझो कि अगर मान लिए तुमने जो है यहां पे 9th पढ़ी है, अब तुम 9th जो है तुम दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो फादर हैं उनकी जो है गवर्नमेंट जॉब है, इसके कारण जो है उनका ट्रांसफर जो है दिल्ली से है हटकर जो है उनका जो है ट्रांसफर मुंबई में हो गया है। अब वो मुंबई चले गए हैं तो तुम्हें भी मुंबई जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्कूल 9th जो है तुमने दिल्ली से की थी। अब जो है तुम 9th के बाद तुम 10th में आ गए हो, तो 10th तुम दिल्ली से ना करके वहां से कर लोगे, वहां डायरेक्ट एडमिशन तुम 10th में लोगे। तो ये सारी चीजें यहां पे कही गई है। फिलहाल ये सब चीजों को मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे बड़ा था यहां पे स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, तो तुम 31 अगस्त से पहले करा पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारे लिए काफी सारे नोट्स जो है मैं यहां पे बिल्डअप कर रहा हूं और सारी चीजें मैं लेके आने वाला हूं। और केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए और भी आगे काफी सारी चीजें प्लान की जा रही है जो बोर्ड को लेकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बूस्टअप करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा। तो इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन बेल को याद से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। नीचे एक बार कमेंट करके बता देना तुम्हारे पास अभी कौन सा स्ट्रीम है और क्या तुम चेंज करवाने के पक्ष में हो, या फिर तुम्हारा जो स्ट्रीम है तुम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम कोई भी चेंज कराने के फेयर में नहीं हो, तुम्हें कोई चेंज करवाना ही नहीं है। नीचे एक बार कमेंट करके बता देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जय हिंद।